नमस्कार दोस्तों, आज हम कई ऐसे जीवों को देखेंगे जो अपनों को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देते हैं। फिर वो चाहे माँ हो जो अपने बच्चों के लिए मर जाती है, या फिर अपने साथियों को बचाते हुए खुद मौत के गले लग जाते हैं। स्टेगोडाइपस लिनिएटस स्पाइडर। दोस्तों, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर वो इंसान हो, जानवर हो या कोई छोटा सा जीव हो, ऐसा ही कुछ करती है स्टेगोडाइपस लिनिएटस स्पाइडर। जब ये मकड़ी अंडे देती है तब वो अच्छे से खाती है ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके, पर जब सारा खाना ख़त्म हो जाता है तब वो बच्चों के सामने खुद को डाल देती है और देखते ही देखते बच्चे उसे खा जाते हैं। मलेशियन चींटियाँ। मलेशियन चींटियाँ ये कोई अलग नहीं होती हैं, पर इनकी सैनिक चींटियों के पास एक हथियार होता है। इनके पेट में एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर ये एक धमाका कर सकती हैं। जब भी कोई दुश्मन इन पर हमला करता है तब ये उसके पास जाकर फट जाती हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। मलेशियन चींटियों के फटने पर एक तरह का चिपचिपा जहर निकलता है जो दुश्मन कीट से चिपक जाता है और वो भी दर्दनाक मौत मरता है। ये अपने आप को मौत के घाट उतार देती है अपने साथियों को बचाने के लिए। कहीं देखी है ऐसी कुर्बानी? ऑक्टोपस। मादा ऑक्टोपस जब अंडे देती है तब वो अपने अंडों को समुद्री चट्टान से चिपकाती है ताकि वे लटकी हुई स्थिति में रहें। इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्री फल हों। मादा ऑक्टोपस अंडे देने के बाद से उनका ध्यान रखती है शिकारियों से। इन अंडों से बच्चे निकलने में 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं और तब तक मादा ऑक्टोपस ना तो वहाँ से हिलती है और ना ही शिकार करती है। बच्चों के जन्म तक मादा ऑक्टोपस मर जाती है। इस तरह का व्यवहार आश्चर्यजनक है। मादा ऑक्टोपस ऐसा क्यों करती है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है, और वहीं बच्चे जन्म से ही जीवन अपने आप ही जीते हैं। इन बच्चों का जन्म ही मादा ऑक्टोपस के बलिदान को खाली नहीं जाने देता है। पैसिफिक सैल्मन मछली। पैसिफिक सैल्मन मछली का अपने जीवन का सबसे बड़ा काम बच्चों को जन्म देना होता है। उसे अपने अंडों को ताजे पानी में छोड़ना होता है ताकि वो जन्म ले सकें। पैसिफिक सैल्मन अपना जीवन खारे पानी में बिताती है, जिस वजह से उसे अंडे देने के लिए ताजे पानी में जाने की एक लंबी यात्रा को तय करना होता है। इस रास्ते को पार करने के बाद वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो इतनी थक जाती है कि वो तैर भी नहीं पाती है और वो अंत में मर जाती है। मधुमक्खी। हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी जब भी अपना डंक मारती है तो उसके बाद वो मर जाती है, पर ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि जब भी मधुमक्खी अपना डंक मारती है तो उसका डंक दुश्मन के काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जिसे वो निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, जिससे उसके शरीर का कुछ भाग भी निकल जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है और वो बच नहीं पाती है। वो अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देती है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।